गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं शिक्षण के सिद्धांत पढ़ाने जा रही थी। शिक्षण के सिद्धांत में दो सिद्धांत मैंने बताए थे आपको, इसके दो प्रकारों में इनका विभाजन किया है, सामान्य सिद्धांत व मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सामान्य सिद्धांत के बारे में पढ़ाया था। आज जो वीडियो है हमारी, वो है हमारा इसका सेकंड सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत का मैंने पूरा वर्णन किया लास्ट वीडियो में। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, कि हमारे शिक्षण की प्रक्रिया में हमारा मनोविज्ञान क्या कहता है, उनके अनुसार हमारे शिक्षण में ऐसे कौन कौन से सिद्धांतों का समावेश होना चाहिए जिससे कि हमारी शिक्षण प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बने, तथा जो हम छात्रों को कहते हैं मनोविज्ञान के बिना हम छात्रों के मन में क्या चलता है इसके बारे में हमें कभी पता नहीं चलता। अगर हमें देखा जाए कि शिक्षण की प्रक्रिया में जितना महत्वपूर्ण मनोविज्ञान का सिद्धांत है वो इतना प्रभावी होता है कि अगर मनोविज्ञान के सिद्धांत का इसमें समावेश ना हो तो हम बच्चों के अनुसार, बच्चों की क्षमता के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के आधार पर हम कोई भी शिक्षण प्रक्रिया को नहीं अपना सकते, या हम कहें हम उसे प्रभावी नहीं बना सकते। इसीलिए शिक्षण के सिद्धांत में जहां सामान्य सिद्धांत हमारे महत्वपूर्ण थे, उनके साथ साथ हमारा मनोविज्ञान का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो सर्वप्रथम हमारा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो है हमारा रुचि का सिद्धांत, रुचि व प्रेरणा का सिद्धांत। सर्वप्रथम ये सिद्धांत है हमारा रुचि व प्रेरणा का सिद्धांत। इसके लिए जो हमारे शिक्षाविद है वो ये कहते हैं कि हमारे शिक्षकों को ये समझना चाहिए कि हर छात्र, जो हमारे छात्र हैं, हर छात्र का एक अलग से उनका क्या होता है, खुद का मनोविज्ञान होता है, या हम उसे कहें उनका एक खुद का जो मनोविज्ञान में हमारे इंटरेस्ट का एक तत्व समाहित होता है। क्योंकि हम जब तक हमारे किसी कार्य में हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर हमें किसी कार्य को अच्छे से संपादित करना है तो हमें उसके लिए इंटरेस्ट जागृत करना होता है। इसमें कहते हैं कि एक छात्र को उसकी प्रेरणा और उसकी जरूरतों की हम पहचान करवाकर हम उसमें इंटरेस्ट जागृत कर सकते हैं। इसीलिए अगर हम देखते हैं कई बार हमारे लिए जो प्रेरणा बनते हैं, हम उनके फॉलोअप हम करते हैं, वो कार्य हम बहुत इंटरेस्ट से करते हैं क्योंकि वो उस चीज को करना चाहते हैं, उनके स्वयं की इच्छा होती है। इसीलिए कहते हैं कि प्रेरणा का और रुचि का सिद्धांत एक मनोविज्ञान पर आधारित होता है। इसके आधार पर हम हमारे शिक्षण प्रभावी को, जो हमारे शिक्षण विधि है या शिक्षण प्रक्रिया है, हम उसे इतना प्रभावी बना सकते हैं कि जो हम अपने उद्देश्य लेकर चलते हैं, हम उन उद्देश्यों की पूर्ति 100% तक हम उसे पूरा कर सकते हैं। कहते हैं जब तक हम जो हमारा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वो लक्ष्य अगर हमारे अंदर, स्वयं के अंदर हमारी उस लक्ष्य के प्रति, जागृत करने के प्रति अगर हमारे अंदर प्रेरणा या हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम कितनी भी मेहनत कर ले हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें इंटरेस्ट जागृत करना होता है। इसलिए कहते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण तत्व होता है हमारी मनोविज्ञान सिद्धांत की प्रक्रिया में। जो शिक्षण के सिद्धांत है इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इससे हम अपनी प्रेरणा और हमारी जरूरतों की हम पहचान करवाकर हम उसे प्रेरित करते हैं, यानी किसको, छात्र को हम प्रेरित करते हैं। इसीलिए इसका सर्वप्रथम हमारा सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। अब हम इसका सेकंड सिद्धांत जान देखें कि हमारा सेकंड सिद्धांत क्या है। सेकंड है हमारा इसका मनोरंजन का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत। जहां मनोरंजन की बात आती है तो वो हमारे अपने आप स्वतः हमारे मनोविज्ञान से जुड़ता है। हमने देखा है कि कई बार हमारा जो कार्य होता है
वो हमें इतना भार लगने लगता है कि हम उस कार्य से दूर हटने लग जाते हैं। तो शिक्षक इसके लिए क्या करते हैं कि उसमें ऐसा कुछ जागृत करें, उसमें ऐसी कुछ क्रियाओं का समावेश किया जाए, ऐसी किसी मनोरंजन क्रियाओं का उसमें समावेश किया जाए, जिससे कि जो शिक्षण प्रक्रिया वो करवा रहे हैं वो शिक्षण प्रक्रिया अच्छी और महत्वशील रहे। मनोरंजन की एक लंबी अवधि तक जो कक्षाएं चलती हैं, उससे जो बोरियत हमें महसूस होती है उसको दूर करने के लिए हम यहाँ इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। चाहे वो हम कई बार ये देखते हैं कि शिक्षक अपने विषय वस्तु से संबंधित हमें कोई ऐसी कथा, कहानी या उससे संबंधित हमें ऐसी घटना बताते हैं जिससे कि हमारे दोनों चीजों का ज्ञान में वृद्धि दोनों चीजों की होती है। हम थोड़ा उसमें मनोरंजन का भी देखते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा मनोरंजन का समावेश है और थोड़ा जो हम उसमें ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो भी हमें प्राप्त होता है। तो हम जो लंबी अवधि तक जिस ज्ञान की हम प्राप्ति कर रहे थे, जिसमें वो बोरियता आ गई थी, निरसता आ गई थी, उसको दूर करने के लिए हम इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, जिससे हम कहते हैं कि बच्चों में वापस से एक एक्टिविटी, एक पावर आ जाती है जिससे बच्चे उसको पढ़ने में, उसको समझने में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो मनोरंजन का जो सिद्धांत है वो हमारे लिए एक निरसता को दूर करने के लिए होता है कि किस तरीके से हम उसे दूर करते हैं और एक रस्ता में उसे जोड़ देते हैं। कहते हैं कि जिस तरह से रस में बढ़ जाते हैं, उस मनोरंजन की प्रक्रिया ऐसी होती है कि वो भी पुनः उसमें उस शिक्षण प्रक्रिया में रस को भर देती है। इसीलिए अगर हमें उसे प्रभावी बनाना है, छात्रों को सिखाने के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करनी है, तो हमें मनोरंजन के सिद्धांत को अपनाना होता है। तो सेकंड कौन सा हो गया हमारा? फर्स्ट हमारा रुचि है प्रेरणा का सिद्धांत, सेकंड है हमारा मनोरंजन का सिद्धांत, थर्ड है हमारा अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास के सिद्धांत के लिए हम जानते हैं कि जितना हम अभ्यास करेंगे उस चीज को हम ज्यादा सीखेंगे। और अभ्यास के लिए हम देखें तो अभ्यास के लिए हम मानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं हम उनके लिए क्या करते हैं, एक विशेष रूप से हम बच्चों के लिए संगठित करते हैं। हम देखते हैं बच्चों को, जब छोटे बच्चे हमारे विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, जब हम उन्हें अल्फाबेट, काउंटिंग, हम जब उन्हें लिखना सिखाते हैं तो कितनी बार हमें डॉट बना के देना होता है, बच्चों को सीधी लाइन खींचने सिखाते हैं, तो वो हम क्यों करते हैं? वो हम अभ्यास के आधार पर करते हैं। जैसे जैसे बच्चे इसमें अभ्यास करते हैं वो अपनी उस चीज को अच्छे से जान लेते हैं। तो अभ्यास का सिद्धांत के लिए कहते हैं कि हम जितनी अभ्यास करेंगे, जितना हम उस कार्य को करेंगे, हमें उस कार्य में सुदृढ़ता प्रदान होती है, उस ज्ञान में सुदृढ़ता प्रदान होती है। इसीलिए अगर हमें अभ्यास के सिद्धांत को हमें अपनाना चाहिए, अभ्यास के सिद्धांत को अपनाने से हमने जो सीखा है उस ज्ञान में हमारे वृद्धि होती चली जाती है, वो ज्ञान हमारा बढ़ता हुआ चला जाता है। और ये छोटे बच्चों के लिए तो विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट था हमारा रुचि और प्रेरणा का सिद्धांत, सेकंड था हमारा मनोरंजन का सिद्धांत, थर्ड था हमारा अभ्यास का सिद्धांत, वहीं फोर्थ है हमारा परीक्षण का सिद्धांत। परीक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के लिए हम देखते हैं कि जब जब अध्यापक हमें पढ़ाते हैं बच्चों को, यानी कि छात्रों को, तो वो बच्चों को कितना पढ़ाया उन्होंने, बच्चों ने कितना सीखा उनसे, उसके लिए वो एक परीक्षण करते हैं। चाहे वो हम टेस्ट के रूप में लें, हम उनसे प्रश्न पूछ कर लें, या हम किसी परीक्षा का आयोजन करके लें, यानी कि जब तक हम उनका परीक्षण नहीं करेंगे तब तक हम ये जानते हैं कि हमने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान की प्राप्ति कितनी छात्र तक पहुंची, इसका पता करने के लिए हमें इस परीक्षण के सिद्धांत को अपनाना होता है। हम ये मानते हैं कि हम जो शिक्षा हमने दी बच्चों को, वो शिक्षण प्रक्रिया हमारी कितनी प्रभावी रही, उसका मूल्यांकन हम हमारे परीक्षण के माध्यम से करते हैं। उस परीक्षण के माध्यम से हमें पता चलता है कि जिन उद्देश्यों को हम शिक्षक लेके चले हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति उनकी कहाँ तक हुई। तो फोर्थ था हमारा परीक्षण का सिद्धांत, नेक्स्ट है हमारा इसमें फर्स्ट, हमारा इसमें रुचि का सिद्धांत,
सेकंड हमारा मनोरंजन का सिद्धांत, थर्ड था हमारा अभ्यास का सिद्धांत, फोर्थ था हमारा परीक्षण का सिद्धांत, फिर आता है हमारा पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत, हम इस सिद्धांत के लिए कहते हैं कि हम बच्चों में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। इसके माध्यम से हम बच्चों का जो प्रोत्साहन हम बढ़ाते हैं, हम जिन प्रशंसा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो हमारे यहाँ पुनर्बलन में कांड। हम देखते हैं कि बच्चों की जब हम प्रशंसा करते हैं तो उनका जो प्रोत्साहन बढ़ता है, तो वो कार्य में और क्या आती है, उस कार्य को और निखारता प्रदान होती है। तो इस पुनर्बलन के सिद्धांत से हम जानते हैं कि पुनर्बलन का सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जिसमें बच्चों के अंदर नई ऊर्जा संचारित होती है, या हम कहें कि यहाँ पर शिक्षक बच्चों को इस तरीके से प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चे दिन प्रतिदिन उस ज्ञान को आगे बढ़ा सके। साथ में यहाँ अगर कहीं थोड़ी कमी है तो वो भी हम बच्चों को बता पाते हैं। तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत होता है, पुनर्बलन के सिद्धांत के लिए हम कहें कि हम जो छात्र के अंदर हम जो वांछित उनके व्यवहार में हम पुरस्कृत करते हैं, उनके व्यवहार में जो हम परिवर्तन लाते हैं, वो हमारे पुनर्बलन का सिद्धांत उसका एक अहम हिस्सा होता है। इसके आधार पर हम बच्चों के अंदर हम चाहे जैसा परिवर्तन ला सकते हैं। पुनर्बलन के सिद्धांत के बाद में है हमारे समवाय का सिद्धांत, समवाय या सहयोग का सिद्धांत। इस सिद्धांत की ये सबसे बड़ी पहचान होती है। इसमें हम छात्र जो अध्यापक होते हैं, वो छात्र में आपस में जो क्लासमेट होते हैं, उनके बीच में किस तरीके से सहयोग करने की भावना जागृत करनी है, यानी कि एक दूसरे छात्र की किस तरीके से वो सहायता करते हैं, ये हमारे सिद्धांत में केवल हमारी शिक्षण प्रक्रिया का ये हिस्सा होता है। कहते हैं छात्र जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो कक्षा का वातावरण भी उन्हें जो हम पढ़ाने में सहायक शिक्षण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये चीज हमारे प्रत्येक शिक्षक का दायित्व होता है कि किस तरीके से जहाँ हम बच्चों को शिक्षण के साथ साथ हम व्यवहारिक ज्ञान हम देते हैं, तो व्यवहारिक ज्ञान यहाँ हम इस तरीके से देते हैं कि बच्चों में आपस में ऐसी भावना का संचार हो जिससे कि वो एक दूसरे की सहायता कर सके, सहयोग की भावना उनमें जागृत हो, जिससे कि हमारी जो कक्षा का वातावरण है वो एक अनुकूल वातावरण बना रहे और शिक्षक अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया करवाते हैं उस शिक्षण प्रक्रिया में वो अपने जो एक रुकावट पैदा होती है वो रुकावट पैदा ना हो। तो ये सिद्धांत में हमारा सहानुभूति, समवाय व सहयोग पर आधारित एक सिद्धांत मनोविज्ञान का होता है। ये हमारे लिए सिद्धांत छात्रों को प्रेरित करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान का सिद्धांत, पूर्व ज्ञान का सिद्धांत। ये प्रत्येक अध्यापक इस चीज को अपनाते हैं। हम देखते हैं जब भी हम छात्र को ज्ञान देने जाते हैं तो हम सबसे पहले हम उनके प्रीवियस ज्ञान के बारे में, प्रीवियस नॉलेज के बारे में हम पूछते हैं, क्योंकि किस तरीके से उस ज्ञान को आगे बढ़ाना है। अगर हमारा जब तक हम उस ज्ञान को पूर्व ज्ञान से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम नवीन ज्ञान को उसमें आगे संचारित नहीं कर पाएंगे। दोनों कहते हैं ना कि नवीन ज्ञान का संचार हम तभी कर पाएंगे जब हमें ये पता हो कि बच्चों के पूर्व ज्ञान उससे संबंधित कितना ज्ञान अर्जित है। ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए हमें पूर्व ज्ञान के सिद्धांत को अपनाना होता है, या हम कहें बच्चों का इंटरेस्ट जान देखने के लिए भी हमें ज्ञान की जरूरत होती है। उसकी क्षमता, उनकी जो मानसिक क्षमता है, उनकी योग्यता है, उसको जानने के लिए भी हम पूर्व ज्ञान से संबंधित उनसे ज्ञान पूछकर, प्रश्न पूछकर हम हमारी शिक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि ये पता रहता है कि बच्चे में उस ज्ञान की कितनी नॉलेज है। फिर हम देखें कि इसमें आता है हमारा लास्ट, हमारा
प्रजातांत्रिक सिद्धांत, प्रजातांत्रिक सिद्धांत में हमने पहले भी पढ़ा था, सामान्य सिद्धांत में भी, लोकतांत्रिक सिद्धांत। प्रजातांत्रिक सिद्धांत से हम बच्चों में आत्मविश्वास को जागृत करते हैं। हमने कई बार देखा है कि कई बच्चे जो होते हैं वो थोड़े संकुचित स्वभाव के होते हैं, अगर हम कहें बहुत अंतर्मुखी होते हैं, तो उन्हें कई बार ऐसा होता है कि वो अपने उस विषय वस्तु के बारे में पूछ नहीं पाते। या हम कहें कि अगर हम मनोविज्ञान पर हम आधारित इस सिद्धांतों का वर्णन कर रहे हैं तो प्रजातांत्रिक सिद्धांत सबसे अनिवार्य, क्योंकि सबको अपने विचारों की खुलकर अभिव्यक्ति करने की आजादी है। तो यहाँ जो छात्र होते हैं वो शिक्षक के समक्ष अपने विचारों को विचार प्रकट करते हैं और इससे उनके अंदर आत्मविश्वास का डेवलप होता है। वो अपने प्रत्येक विषय वस्तु संबंधित उन्हें ज्ञान, जब वो खुलकर उस ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए हमें प्रजातांत्रिक सिद्धांत को अपनाना जरूरी होता है। लास्ट है हमारा जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसमें, कि हमारा लास्ट हमारे सिद्धांत में आता है हमारा उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में हम देखते हैं कि छात्र अपनी समस्या अध्यापक के सामने प्रस्तुत करते हैं, उससे संबंधित उनका निदान छात्र या अध्यापक छात्र के लिए करते हैं। वो उन्हें ये उपचार बताते हैं कि किस तरीके से वो अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। यहाँ वो अपने उपचारों में उनके लिए किन विधियों का प्रयोग करना है, किन उपकरणों का प्रयोग करना है, किन सामग्रियों का प्रयोग करना है, ये सारे बच्चों को अच्छे से बताते हैं। और ये सारे हम मानते हैं कि हमारी शिक्षण प्रक्रिया के सबसे अहम हिस्सा होते हैं, हमारी सहायक सामग्री, हमारा मेथड, हम किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये उपचार में हम ये बताना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरीके से हम उन समस्या को दूर कर सकते हैं, इसके बिना हमारी शिक्षण प्रक्रिया अप्रभावी होती है। तो आज के हमारे ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत थे, हमारे शिक्षण के रुचिका व प्रेरणिका, प्रेरणा का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, परीक्षण का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, पूर्व ज्ञान का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक सिद्धांत और उपचारात्मक शिक्षण। ये सारे हमारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के हिस्से हैं। धन्यवाद।